हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपको पीछे का व्यू देख के लग गया होगा पता कि मैं कहाँ पे हूँ, ये देखिए, और इन पहाड़ों को देखकर। तो मैं आई हूँ नाना के घर और पिछले कल ही मैं आई हूँ। तो आज है 18 मार्च और मैं 17 मार्च को आई थी। तो पिछले कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मतलब पिछले कल सुबह 4 बजे से मुझे ना बहुत तेज़ बुखार आए थे और गाड़ी आ रही, मैं आपसे बात बात करती हूँ। तो पिछले कल 4 बजे से मुझे तेज़ बुखार आए थे और कुणाल के पापा ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे आएंगे। वैसे तो हम मनाली जा रहे थे लेकिन मम्मी को ज़रूरत थी और नाना ने जाना था चंडीगढ़ को, तो फिर हमें यहाँ आना पड़ा। और कल मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं ना ऐसे उठ भी नहीं पा रही थी और फ़ोन पकड़ना तो दूर की बात थी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बुखार थे, पूरी बॉडी में दर्द था और ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और अभी साथ में है कुणाल और कुणाल की मासी, मतलब मेरी आंटी की बेटी। तो जो मेरी मासी है ना उनको मैं आंटी कहती हूँ, तो उनकी बेटी साथ में। तो मैंने कहा चलो थोड़ा घूम कर आते हैं और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ब्लॉग नहीं आकर। तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, आपको मैं यहाँ का गांव दिखाती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं कुणाल की डिमांड पर, इसको ट्रेन की पटरियाँ दिखाएँगे, इसको बड़ा शौक है ट्रेन की पटरियाँ देखने का। रुको मेरे लिए। और ये देखिए यहाँ पर स्कूल और यहाँ पर ये सत्संग भवन, साईं बाबा। और ये बताएगी क्या क्या है? सत्संग भवन बन रहा है ये। हाँ मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और ये देखिए साईं ग्राम भवन। ये देखिए पीपल का बहुत बड़ा पेड़, और एक पेड़ यहाँ पे था जहाँ पे मिट्टी ना यहाँ पे हमारा बचपन यहीं पे बीता, और हमारा बचपन यहीं पे बीता इस पेड़ के नीचे, यहाँ पे खेलते थे। शाम को यहाँ पे पानी भरने भी आते थे, पानी भरने आते थे, और यहाँ पे हाँ, अभी भी हम आरती कीर्तन करने आते थे, कीर्तन ही आरती करने भी आए थे, कल परसों भी आए थे। देखिए और यहाँ पे लोग ना अपने घरों को बहुत अच्छी तरह से जाके रखते हैं, फूल लगा कर। खतरनाक डॉगी हुआ करता था कमांडो। हाँ कमांडो, वो तो होगा अभी तक से नहीं, डेथ हो गई इसके बेचारे, हम ही इतने बड़े बड़े हो गए। कौन था? और ये है मंदिर ना, ये था वो पानी का नल जैसे हम पानी भरते थे, और अभी पानी आता है, आता है अभी भी आता है। हाँ हाँ, यहाँ से था रास्ता नानी के घर के लिए, और यहाँ से पीछे पीछे जाकर जो नानी का घर था, और ये सब कुछ पहले बना नहीं था, यहाँ पूरा जंगल था, बहुत सुंदर था। और यहाँ जाते थे हम कपड़े धोने के लिए इस जगह पे, और ये घर पहले नहीं था। और इस पेड़ से आम हमने बहुत खाए हैं, यहाँ नीचे गिरे होते थे पक्के पक्के ना। और फिर इस टाइम भी रास्ता थोड़ा कच्चा हुआ करता था। हाँ मतलब पतला था, जैसे वो दिख रहा ना वैसा था। इस घर में मैं गई हूँ, और इस घर में मैं गई हूँ, इस घर में तो हम खेले हैं, इस वाले घर में सब, सारे घर में मैं गई हूँ नानी के साथ में, और यहाँ से खेलते थे हम तो, इस यहाँ से जाते थे और फिर यहाँ से होके और उस साइड भी खेलते थे। और यहाँ से जो है मंदिर के पास निकलता है रास्ता। यहाँ से जाते थे, वहाँ से जाते थे, तो यहाँ से जाते थे हम स्कूल को। अच्छा ये जो रास्ता है, हाँ यहाँ से कितना अच्छी बनाया गड्ढा, ये जो रास्ता है यहाँ पे एक आदमी की वो गर्दन कटी हुई थी ना, अच्छी गंदी बात करता है। और यहाँ तो अभी हम पहुँच गए हैं ट्रैक में, और कुणाल को बहुत शौक था ये देखने का, तो इसलिए हम इसको लेकर आए यहाँ पे। और यहाँ से नीचे जाकर रक्कड़ में हमारा स्कूल था, तो हम यहाँ से कम आते थे लेकिन
वहाँ से जाते थे हम। मेरे पास था। तो देखो लोग जा रहे हैं लोग, और जो आपको ये ऊपर से दिख रहा है ना, यहाँ से चढ़ते थे हम और फिर जाते थे हम नीचे स्कूल को। तो हम पहले जो है आगे पंचरुखी है वहाँ पे मेला लगता था, और फिर हम जो है इसी ट्रैक से होके जाते थे, नानी, मेरी मम्मा, हम बच्चे कच्चे सब, और बहुत मज़ा आता था। और इस पे पाँव रखते जाते थे, जो लोहे के जो ये बने ना इसके ऊपर, तभी जल्दी पहुँचते थे। और अभी वैसे ही हम आगे तक जा रहे हैं, और आपको एक स्टोरी बताती हूँ। जो ये आगे है ना, ये वाली जगह यहाँ पे, तो एक बार यहाँ पे किसी ने आत्महत्या की थी, और ट्रेन के साइड में धड़ था उसका, और ट्रेन के बीच में उसका सर था, कटा हुआ सर। और हम स्कूल जाते थे तब देखा था हमने। तो हमसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि तुम मत देखो, वरना तुम जो है घर से बाहर भी नहीं निकलोगे डर के मारे। तो क्या, हमें डर नहीं लगा था उस समय, कि पूरा पूरा देखा था हमने, सिर जो बीच में था और बॉडी साइड में थी। ऐसे ऐसे हादसे भी हुए हैं यहाँ पे, जो हमें पूरी तरह से याद है। जगह कौन सी थी वो, आगे पीछे? ये वाली जगह थी बेटा, ये नाले। क्या नाला? वो आगे जो यहाँ पे, यहाँ पे, यहीं पे। तो चलते हैं, और ये है यहाँ का वाटरफॉल, पहाड़ों में जो है पत्थरों के बीच से निकलता है, और यहाँ पे चादर के बीच से निकल रहा है, देखो। और बिल्कुल ठंडा पानी है ना, शांति है, बहुत ठंडा पानी। ये देखिए, ये है वाटरफॉल, आगे है कुनार, और आगे है ये पुल। तो जो पुल आप देख रहे हो ना, यहाँ से हम इसको क्रॉस करके आगे पंचरुखी जाते थे। और ये जो पुल है ना, अभी तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन पहले ये ना हमें इसका ट्रिपल लगता था, क्योंकि हम छोटे थे, हमारे हाथ मतलब हमारे पैर भी छोटे थे। तो लेकिन अब तक सर्च के हम 2 मिनट में क्रॉस कर लेंगे इसको। देखिए, करना है क्रॉस चिका? पोरेगो नहीं होगा, मम्मा जा सकती है वो तो जाएगा, पर अगर तो मैं चाह रही हूँ उसके ऊपर यही बैठा तुम, ठीक है? तुम चक्कर आएगा तो मुंह को नहीं, तो फिर तो मुझे ना थोड़ा हाइट से प्रॉब्लम है, कि फिर भी देखते हैं। ये देखिए चीकू, देखना चक्कर ना आ जाए गोनू। अच्छा, हाथ ट्रेन ना जाए कहीं। हाँ चीकू रुक, तू तू जा, मैं आई, मैं वीडियो बनाती हूँ। हमें जो है ट्रेन का टाइमिंग नहीं पता है, इसलिए हमें थोड़ी सी डर लग रही है। और ये देखिए, मैं बीच में भी नहीं आई हूँ, और मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं। और ये देखिए, और जो मैं पिछली बार आपको सुंदर से व्यू की बात करी थी ना, तो ये है वो व्यू। और यहाँ पे हम बैठते हैं, और ये है शमशान घाट। है तो शमशान घाट है, लेकिन बहुत यहाँ पे शांति और सुकून रहता है। और ये देखिए सामने दौलादार रेंज, इतना सुंदर है ना। और ये नदी, और पीछे बच्चे कच्चे, देखते हैं मैं कहाँ तक जा सकती हूँ। हे भगवान, अब इससे आगे मैं नहीं जा सकती। तो अभी चलते हैं हम वापस। वैसे तो ये है चलने के लिए, लेकिन फिर भी साथ में कुछ है ना पकड़ने के लिए, तो ज़्यादा डर लग रहा है। तो अभी चलते हैं वापस। Thank you.
बच्ची को कैसी लगी जगह? पता कैसी लगी जगह? शर्मा रहा है, जैसे इसके रिश्ते की बात हो रही है। हाँ। और ये है आम का बगीचा, और यहाँ पे बचपन में हमने बहुत आम चोरी करके खाए हैं, सारे बड़े बड़े पेड़। छोटे हम तो जाते नहीं थे, बस जो नीचे गिरे होते थे वो खाते थे, या फिर हम पत्थर से नहीं लकड़ियों से मारते थे उसको, डंडे से ना। हाँ, डंडे से मारते थे, फिर गिरता था। फिर आम का बगीचा, और यहाँ से निकलेंगे हम परे नाना के खेतों में। मामा, आंटी। तो अभी हम जा रहे हैं खेतों की ओर, और यहाँ से पहुँचेंगे हम सीधा नाना के खेत में। और ये है सामने की पहाड़ियाँ, धौलाधार रेंज, और ये देखिए हरे हरे खेत। और रास्ते के साइड में लगे हैं ऐसे छोटे छोटे से क्यूट क्यूट फूल। ये देखिए वहाँ पे मासी बेटा दोनों गप्पे मार रहे हैं। और ये जो घर है, यहाँ पे हम बचपन में टीवी देखने आते थे, क्योंकि नानी के घर पे टीवी नहीं था, तो हम यहीं पे आते थे टीवी देखने। और इस घर में भी काफ़ी बचपन बीतता हमारा। और ज़्यादातर घर जो है ऐसे ही होते हैं मिट्टी के यहाँ पे, और ज़्यादा का डिज़ाइन भी इस तरह के ही होते हैं घर के। चलते हैं घर की ओर। ये गौशाला, ये यहाँ की गौशाला है। ये देखिए घरों के डिज़ाइन यहाँ के। और ये रास्ता जो कि हमें सीधा रोड तक पहुँचाएगा, और फिर पहुँच गए हम मेन रोड में। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ घर, और ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।